परेशान कर दिया मुझे सोसाइटी के बच्चों ने। मैं सिर्फ 10 साल का था जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वहीं से सफर मेरा शुरू हुआ। एक दिन मुझे भी वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ना था। नाम क्या बोला अपने भाई का? क्रिकेट पहले था, हम सब बाद में, और ये हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। जब भी टीम अच्छा नहीं खेलती थी तो वो इतना परेशान होता था कि रात को सो भी नहीं पाता था। इस बात के काफी सबूत है कि मैच फिक्सिंग हुई थी। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। हर खिलाड़ी को निराशा के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ना जरूरी होता है। I would tell people, you know, when Sachin comes into bat, मुझे बता देना। क्रिकेट खेलना मेरे लिए मंदिर जाने की तरह था। नॉट आउट से पूरा जो ट्रेलर है वो स्टार्ट होता है। बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे सचिन, वहां से पूरा ट्रेलर स्टार्ट होता है। सचिन तेंदुलकर जब 10 साल का था तब 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। वहां से सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप जीतना था, ऐसा थोड़ा बहुत मैच फिक्सिंग के बारे में बताया। सचिन तेंदुलकर जब नहीं खेल पाते थे तब कैसी हालत रहती थी घर में, उसकी वाइफ को अंजलि बता रही है। सचिन दे रहा है कि कैसा सचिन मैन, सचिन कमबैक कम्स इनटू बैट, फरारी के शौकीन है सचिन। क्रिकेट सचिन के लिए भगवान के बराबर है, हम सब जानते हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है सचिन बिलियन ड्रीम्स। सचिन 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 जेम्स, इसका म्यूजिक यार रहमान ने दिया है। इसका प्रोड्यूसर जो है वो रवि भागीचंद का है और श्रीकांत भास ने भी इसका किया है। 26 मई को पूरा मूवी जो है रिलीज हो रहा है मराठी में, हिंदी में, तो आप भी मेरे साथ आइएगा देखने के लिए। ट्रेलर बहुत अच्छा है। 5 में से 4 स्टार दूंगा मैं सचिन को। सचिन बिलियन ड्रीम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।